जिला मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर भुगतान करने तथा बस्तर संभाग के सातों जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती करने मांग को लेकर स्कूल सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार वादा निभाओ बैनर लेकर हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारियों ने एक दिवस की क्रमिक भूख हड़ताल कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राजमन नाग राजे कटरानी सहित बड़ी संख्या में स्कूल सफाई कर्मी के कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष आयता राम मरकाम ने बताया कि समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि अंशकालीन के रूप में कलेक्टर दर के एक चौथाई हिस्से पर कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें और हमारे परिवार को आर्थिक मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त समस्याओं से अवगत छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें चुनाव पूर्व आश्वस्त किया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो शासन मांगों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से पूरा करेगी। अपने जन घोषणा पत्र में भी हमारी मांगों को सम्मिलित करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो समस्त स्कूल सफाई कर्मचारियों के हित में कार्य करेगी। परंतु ढाई वर्ष पूरा होने पर भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा रहा है तथा बस्तर संभाग के सातों जिलों में सीधी भर्ती पर प्रतिबंध कर होने वाले तृतीय एवं चतुर्थ वर्गों के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर हमको भर्ती किया जाए, क्योंकि हम समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी विगत कई वर्षों से अंशकालीन के रूप में शासन प्रशासन की सेवा कर रहे हैं, परंतु हमें शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की भर्तियों में प्राथमिकता नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए समस्त सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर भुगतान करें। अगर हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम आने वाले समय के संघ के द्वारा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।